आज का हमारा दूसरा दिन है लेह का, और अभी हम अपने साथियों के साथ निकल रहे हैं यहाँ घूमने के लिए। हालांकि विजिट टाइम कितना हो गया हमारा, 10 बज गया क्या? हाँ, 10 अभी टाइम रहा। हाँ, 10 करके 10 दस हुआ है। बज गए हैं और हमसे कहा गया था सुबह 5 बजे निकलिए, लेकिन हम अपने आदत से आदत से मजबूर हैं तो मजदूर हैं हम तो पहले तो हम आराम से लेट ही उठे हैं, लेट फिर उसके उठे। बाद तैयार होने में नाश्ता करने में टाइम लग गया, दस बज तो गए अपने हैं अप्रोच अब, सबको 10 बज चुका है और तो हमारा आज का दिन अब शुरू होगा। शुरू हो चुका है। और तो आज आज हमने वैसे प्लान किया है कि हम यहाँ जितनी जितनी नजदीकी जितनी जगह है हाँ साइड वहाँ सीन हम जा कर सके तो सकते हम हैं। जाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ घूमें और आप सभी के जगह क्योंकि के बारे में थोड़ा क्योंकि हल्का लेह सा की जितनी इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ दिखाएंगे। हम जा सकते हैं वहाँ जाने का हमने पूरा सोच रखा है। तो आज कल परसों 2-3 दिन में जितना हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि उन जगहों को हम छू सकें। और आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी हमारी एक ही मांग है, हाँ ले फतेह। ले फतेह। और पंकज जी आप रेडी हैं? तो रेडी तो चलें फिर। पंकज जी ने अपने जूते करें डाल दिए हैं, अभी जो चलेंगे नहीं हमारे अभी उड़ेंगे। इनकी खासियत है कि जूते डालते ही उड़ने लग जाते हैं। और ये तो यहाँ के लोकल लाइट है, ये तो लोकल लाइट है यहाँ के, बहुत ही आसानी क्रिस, क्रिस, ये यहाँ के यहाँ के लोकल, लोकल क्रिस हैं। ये यहाँ के लोकल है। तो आज आप आज आप हैं आप कहाँ ले जाएंगे? वो ऐसा है मेरा मन जाकर वहाँ जाऊँगा, लेकिन ये है कि अभी मैग्नेटिक हिल और एक आ जगह और है संगम वगैरह कह रहे थे। वो सब जगह जाएंगे जितना हम जा सकते हैं। तो अभी जितना हम जा निकल सकते चुके हैं, हैं हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। चलो यहाँ हम गेवू जो गेस्ट हाउस है वहाँ रुके हैं और काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर रिव्यू देखने लेंगे तो वो देखेंगे, और यहाँ की जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। सब हमें मतलब बहुत बढ़िया लगा। अभी जब आए हाँ मुझे बुम्बा विलेज में पड़ता है तो यहाँ रह सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। रीजनेबल प्राइस है। ओके तो चलते हैं फिर आगे को निकलते हैं, फिर रेडी हैं ओके फतेह फतेह रेडी करने के लिए। चलो देखो पाकिस्तान का इलाका होती, यहाँ हम तेल का कुआं खोजती। वाह अभी भी जन्नत होती, देखे जन्नत होती, रोड भी बढ़िया होती, शादी करती हम 25 बच्चे निकालती यही बसाती। बोला फाइनली अभी हम आपके आपके मैग्नेटिक हिल में है, तो ये पूरा कहते हैं कि मैग्नेटिक हिल है आप। और आपको कुछ अभी इन्होंने अभी कैसा फील कर रहे हो आप यहाँ आके? अभी फैंटास्टिक, शानदार नजारा आपको, एक अद्भुत विहंगम दृश्य आपको यहाँ पे दिख रहा है, नजर आ रहा है इनको यहाँ से विहंगम दृश्य दिख रहा है। और हमारे कह रहे हैं कि हम जरा ऑफ रोडिंग वाली जो क्या बोलते हैं उसको स्कूटर बाइक इसको चलाएंगे कह रहे हैं, तो बाकी देखते हैं कितने चलाने कितने नहीं चलाने, तो देखते हैं तो और देखते यार हैं कैसा लगता है। हाँ एक राउंड लगा के आओगे क्या? चलो फोटो भी चाहता हूँ। अब यहाँ मैग्नेटिक हिल से निकल चुकी है, अब संगम जाएंगे हम, यहाँ पे संगम संगम जाएंगे। और तो आप तो आपको कैसा लगा पहले तो आप बताइए। लगता तो अच्छा ही, तभी आए हैं वरना आते क्यों, वो तो कोई बात नहीं है। तो हम आपको इसका पुरजोर समर्थन करते हैं कि अच्छी जगह है। और ये हमारे दो को पायलट और ये पायलट इतनी मक्खन रोड में भी गाड़ी हिला दे रहे हैं, जबकि यहाँ गाड़ी हिलनी नहीं चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए थी, तैरनी चाहिए थी गाड़ी, हिल रही इसमें भी गाड़ी। ऐसे तुम्हारे क्या है को पायलट? ये हमारे पायलट, सॉरी पायलट बस नहीं बताने वाले, तो को पायलट भी है। कि हमें जाना था संगम, लेकिन हम पहुंच गए आपके चिलिंग।
क्योंकि यहाँ रास्ते में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। आलंगी संगम ये है नीचे, पास में ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे। ये रास्ता अगर आप देखेंगे यहाँ से नीचे में जाता है रास्ता, यहाँ से नीचे में एक रास्ता जाता है, और जबकि हमारे जबकि अभी इसी से रास्ता गए रास्ते हम गए, लेकिन पता नहीं चल पाया कि ये है संगम। तो ये नीचे व्यू खूबसूरत है, लेकिन कोई करिए रुके संगम यहाँ रुके नहीं। पंकज थापा जी ने कहना है कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीज़ों में। पंकज थापा जी हमने वो त्रिमेड़ी का वाला संगम देख लिया ना, तो दो वाला संगम अच्छा अच्छा इनको मज़ा नहीं आया। ठीक है बहरहाल बहरहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, आना चाहे तो आ सकता है, यहाँ से वापस जाते हैं। अब कहाँ जाएंगे पत्थर साहब? पहले पत्थर साहब जाते हैं, गुरुद्वारे में सबसे ऊँचाई पर स्थित है, खाएंगे और हमारे साहब का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अभी पत्थर साहिब, इससे आगे अभी हम अगर आप आगे का जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैग्नेटिक हिल्स फिर उसके आगे संगम मिलेगा। ऐसा इतना कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर वैसे वहाँ घूमना चाहें, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पर रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है, और आप देखेंगे यहाँ पर पत्थर साहिब ले में। तो हम चलो फिर हम यहाँ अंदर जाते हैं और थोड़ा प्रसाद प्रसाद ग्रहण करके आते हैं, फिर हम आगे का जो जो भी हमारा रहेगा रूट्स वगैरह और जो भी हमारा रहेगा जितना भी वो हम आपको पूरा उसके डिटेल देते देंगे और बताते देंगे। तो अभी हम आपके पत्थर साहिब हैं और यहाँ बैठे का अलग ही सुकून का एहसास हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। फिर ना वेट तो करना पड़ेगा हमको अभी लंगर में। यहाँ लंगर खाने के लिए रुके हैं और काफ़ी समय बाद हमारा नंबर आया है, काफ़ी श्रद्धालु लोग आए हैं और इसका अपने आप में बहुत नाम भी है जगह। तो हमें काफ़ी देर हमारा नंबर आया है, तो हम इंतजार कर रहे हैं, तब साथ मिलेगा उसके बाद हम आगे के सफ़र को निकलेंगे। देखा जी ठीक है तैयार है, तो हमें लंगर प्राप्त होने का मौका मिल गया, आगे मिला एक हमें। अब देखिए हम कितनी देर में हमारे पास प्रसाद पहुँचेगा, उसके बाद फिर हम श्रद्धा पहुँचेगा, उसके बाद हम लेकर आगे ठीक है। आओ हम प्रसाद चक्के आए हैं पत्थर साहिब में आए हैं, और एक बहुत बड़ी कहानी है, तो आप ऊपर का हिस्सा देख लेंगे, जो ऊपर जगह है वहाँ से राक्षस ने पत्थर फेंका था, और वो पत्थर जो अंदर पत्थर साहिब रखे हैं वो मूंग में परिवर्तित हो गया था, और इसके बारे में बताएंगे बाबा साहब। मैं मुझे अंदर मन का ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं इसके बारे में आपको ब्रीफली बात करूंगा। तो आपको तो बहुत पहली बार आपने? हाँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। पहली बार तो आए हो, प्रसाद पहली बार था? हाँ बिल्कुल, प्रसाद जहाँ पहली बार जो भी अभी बाहर अंदर हो भी गई थी, दोनों हाथ से जो जो मैं प्रसाद लेना है वो दोनों हाथ जोड़ के और दोनों हाथ उठाए से मिल लेना है। निकलते हैं आगे की तरफ को, और आज देखिए क्या क्या कवर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उसके बाद चलिए महोदय चलते हैं आगे को। तो अब हमारी यात्रा यहाँ से नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ को निकलते हैं, वहाँ के निकलते हैं हम। क्या कह रहा है भाई, क्या बोल रहा है, बोल तो क्या कह रहा है? रज्जात यात्रा निकल रही है हमारी, बज्जात यात्रा। आगे तो निकल रहे थे, तो रास्ते में हमें खूबसूरत सी
यहाँ पे आइस हॉकी होता है, देख लीजिए इसको पूरा जम जाता है। आइस हॉकी किधर है? लद्दाख के इस अवेटिंग टूर में अभी हमने दो चार जगह आज के दिन में देख लिए हैं। अभी जस्ट हम क्या कहते हैं होलफोम से आते हुए इधर पहुंचे हैं और अभी देखिए अभी यहाँ शांति स्तूप में पहुंचे थे। देखिए देखिए आप मेरे 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 बैग में देखिए आप देखिए देखिए शांति स्तूप है और देखो मेरे मेरे मित्र जीवन चंद तिवारी एंड देवतला जिनको आप हमारे पूरे टूर में देख रहे होंगे, ये हमारे मेन कैरेक्टर यही है। और ऊपर देखिए आप ये शांति स्तूप है। ये तो शांति मिली लेकिन शांति का कारण क्या दिखाइए हम बताते हैं। देखिए ये शांति है, मेन शांति का कारण क्या है, यहाँ का चारों तरफ एटमोसफेयर देखिए, वैली देखिए, असली खूबसूरती से देखिए, चारों तरफ देखिए, इस चीज़ के कारण यहाँ पे ज़्यादा शांति महसूस हो रही है ना, इस चीज के कारण या हम चारों के कारण। हाँ ये इसका यहाँ शांति पहले से थी, जब से हम यहाँ आए यहाँ की शांति बढ़ गई, ज्यादा शांति हो गई। मेन हमारे एक चंद बहादुर है वो अभी वहाँ, चंद बहादुर पता नहीं कहाँ गए हमारे, अभी हमारे चंद बहादुर हमारे साथ नहीं। चंद बहादुर है क्या? चंद बहादुर लेकिन चंद बहादुर को ढूंढ के आते हैं कि कहाँ पे पहुंचे करके। आइए चंद बहादुर के पास चलते हैं। हम बता रहे थे आपको ये हमारे गुरु जी हमारे आगे चल रहे हैं, ये हमारे गुरु जी, इनका तेज प्रताप हमें मिलेगा। सर आप कैसा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी चीज सकते हुए जगा रहे आप चीज सकती हैं ये गुरु जी हमारे चंद्र बहादुर जो कि इस वंशज के लास्ट एक पीढ़ी में यही बचे हैं, ये महसूस इस चीज को महसूस करना चाहते हैं और ऐसी चंद बहादुर मिलेंगे आप तो आप क्या कहते हैं आदमी अगर आपको आप होगा तो ऐसी हमारे दो तीन चंद बहादुर इधर ही घूमते हुए मिलेंगे आपको और ये बिल्कुल साइलेंट है, बोलते नहीं है किसी से तो यहाँ कीप साइलेंट है तो तेज धूप और यहाँ के वातावरण के कारण इनको इनकी मुझे जवानी निकल पा रही है, बोल ही नहीं पा रहे, इनकी जीभ में ताले पड़ जाते हैं छाले पड़ेंगे। चलिए अब थोड़ा शांति बढ़ा गया, अब शांति स्तूप के आ चुके हैं, इसके साथ साथ जोरावर फोर्ट भी साथ साथ लगा है तो अभी हम आपके जोरावर फोर्ट में प्रवेश करते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या करना है उसका फिर देखते हैं। आपका जोरावर हालांकि हमने अंदर सीढ़ी नहीं बनाई क्योंकि ठीक नहीं लगा हमें, तो हम आपको आगे चलते हैं।